तुम्हारे शहर में जियो का टावर है जिससे सब लोग का नेट चल रहा है वो भी एक नेटवर्क है राइट तो ये पूरा नेटवर्किंग का जो कंसेप्ट आया आज जो इंटरनेट सबसे सब बड़ा नेटवर्क है डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब सब लोग फेसबुक पे आपस में कनेक्टेड है राइट तो इसका इवोल्यूशन इस ये सब शुरुआत कहां से हुआ तो उसके बारे में हम बात करते हैं सो so, सबसे पहले हुआ क्या कि नाइनटीन में तुम ऊपर वाली लाइन पढ़ सकते हो इन नाइनटीन रिसर्च प्रोजेक्ट कमीशन बाई एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क एरपानेट इन द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस टू कनेक्ट द एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेज फॉर साइंटिफिक कोलेब्रेशन अब हुआ क्या सिक्सटी में जो हमारा एक एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है ठीक है हमारा यूएस डिफेंस यूएसए में जो भी जो डिपार्टमेंट है जो डिफेंस का काम वहां पर देखता है उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था एरपानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क राइट इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या था ये लोग चाहते थे कि यूएसए में जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है मतलब जहां पे स्टूडेंट ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की ठीक है उनको किससे कनेक्ट किया जाए जो हमारे एसआरआई हैं। एसआरआई क्या है साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन सो ऐसे इंस्टीट्यूट जहां पे साइंटिफिक रिसर्च होता था चाहे हो सके कि डिफेंस के लिए हो वेपन्स के लिए हो बाकी चीजों के लिए उनको किससे कनेक्ट किया जाए हमारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट ताकि स्टूडेंट स्टूडेंट साइंटिस्ट साइंटिस्ट के के साथ तो के साथ और अपना डेटा शेयर कर पाए ताकि काम और अच्छे से हो पाए तो यूएसए ने इस चीज को दिमाग में रख के वहां पर जो वहां का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का उन्होंने एरपानेट का गठन किया ठीक है तो एरपानेट नाइन में आया था इसका गठन हुआ था ठीक है फिर क्या होता है काम शुरू हो जाता है और फाइनली 1969 में तुम इस डायग्राम में देख सकते हो फाइनली हमारा 1969 में नाइन यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ठीक है यूसीएल मतलब हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन को आपस में कनेक्ट किया जाता है फर्स्ट टाइम सो फर्स्ट टाइम 1969 में हमारा एरपेनेट जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वो फंक्शनल हो गई और फर्स्ट और SRI को आपस में कनेक्ट किया गया उसके बाद ना, जैसे नाम तुम्हारा अनुज है तो अनुज एट द रेट जी मेल डॉट कॉम अनुज वन टू थ्री फाइव एट द रेट जी मेल डॉट कॉम तो जो हमारा ईमेल का पूरा प्रोसेस है इसको डेवलप किया जाता है तो वहां से नेटवर्किंग और एक स्टेप आगे चला जाता है तो अब एक बंदा बैठे बैठे अपने ऑफिस से कई सारे लोगों को मेल भेज सकता है कई सारे मेल लोग, तो देखो ये कितने लोगों से कनेक्ट कर पा रहा है पॉसिबल हुआ 71 में, में फिर 74, 74 फर्स्ट टाइम इंटरनेट जो वर्ड था वो क्वाइन हुआ फर्स्ट टाइम लोग जाने की अच्छा इंटरनेट क्या होता है और एक बड़े लेवल पे इंटरनेट का यूज करना लोगों ने स्टार्ट किया सॉरी एक पिक्चर गड़बड़ हो गया हाँ सेवेंटी so 1974 में फर्स्ट टाइम इंटरनेट का यूज करना लोगों ने स्टार्ट किया राइट right? फिर 1982 में क्या होता है कि टीसीपी आईटीपी इंट्रोड्यूस होता है और टीसीपी आईपी क्या है आगे हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे कि डाटा कैसे ट्रांसफर होता है 1983 में डोमेन नेम इंट्रोड्यूस होता है डोमेन नेम क्या है जैसे तुम फेसबुक पे जाते हो तो कंप्यूटर में क्या टाइप करते हो www.facebook.com तो ये जो www.facebook.com डब्ल्यू डब्ल्यू है डोमेन है जैसे गूगल पे जाते हो www.google.com ये डोमेन है तुम इसरो की वेबसाइट पे जाओगे तो www.isro.com तो वो भी डोमेन है ठीक है तो डोमेन के बारे में भी इस चैप्टर में लोग आगे पढ़ने वाले हैं फिर 1986 में क्या होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन ब्रिंग्स कनेक्टिविटी टू मोर पीपल विथ एन एस एफ एन प्रोग्राम एक एन एस एफ एन प्रोग्राम ये लोग इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें और और ज्यादा लोगों को कनेक्ट करते हैं इस नेटवर्क से फिर 1990 में 1990 में क्या होता है कि हमारा फर्स्ट टाइम HTML जो CERN है CERN वो HTML इंट्रोड्यूस करती है जिससे हमारा ब्राउजर और वर्ल्ड वाइड वेब WWW ए एग्जिस्टेंस में आता है लोग जनरल पब्लिक उसका यूज करना स्टार्ट करती है और फाइनली 1997 में हमारा वाईफाई का वाईफाई का कांसेप्ट आता है जो आज हर घर में यूज हो रहा है तो ये तो था हमारा इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग राइट अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क पे तो नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं अगर हम जेग्राफिकल एरिया के हिसाब से देखें तो ठीक है अगर तुम जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से लेते हो तो नेटवर्क चार तरीके के हो गए पहला तो हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब तुमने अपने लैपटॉप से अपने फोन को कनेक्ट कर रखा है एक पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया ठीक है छोटे छोटे कनेक्शन ठीक

के वाईफाई से तुमने हॉटस्पॉट उसमें ऑन कर दिया तुमने अपना उसमें फोन कनेक्ट किया है अपना हेडसेट कनेक्ट किया है अपना फोन भी कनेक्ट किया है प्रिंटर भी कनेक्ट किया है माउस भी ब्लूटूथ से कनेक्ट किया है तो एक छोटा सा नेटवर्क तुम जिस टेबल पे बैठे हो वहां पे तुमने पूरा नेटवर्क फॉर्म कर रखा है तीन चार डिवाइसेज का तो एक पर्सनल तुम्हारा एक पर्सनल नेटवर्क है राइट उसी तरह तुम्हारी सिस्टर हो सकती है वो अपने रूम में काम कर रही है तो उसने अपना फोन अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा है अपने हेडफोन को अपने फोन से कनेक्ट कर रखा है तो उसने भी एक नेटवर्क फॉर्म कर रखा है तो उसका एक पर्सनल नेटवर्क हो गया राइट ऊपर तो देख सकते हो इट इज नेटवर्क फॉर्म बाई कनेक्टिंग अ फ्यू पर्सनल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल फोन स्मार्टफोन्स प्रिंटर्स एक्सेट्रा और देखो पर्सनल एरिया नेटवर्क में ना जितने भी डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क में है वो 10 मीटर के अंदर ही रहेंगे 10 मीटर के बाहर नहीं जाएंगे अगर 10 मीटर के बाहर चला गया तो फिर वो लैंड हो गया लोकल एरिया नेटवर्क ठीक है और पर्सनल एरिया नेटवर्क वायर्ड भी हो सकता है वायरलेस भी हो सकता है यानी प्रिंटर को तुम अपने कंप्यूटर से वायर से भी कनेक्ट कर सकते हो और वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हो दोनों ही नेटवर्क कहलाएगा सेकंड है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि जब यहाँ पे देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है इट इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर्स जस्ट वन मिनट इट इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर्स मोबाइल फोन टैबलेट्स माउस प्रिंटर पेस्ड एट ए लिमिटेड डिस्टेंस अगर एक लिमिटेड डिस्टेंस में तुम्हारे मोबाइल टैबलेट, माउस प्रिंटर कोई भी डिवाइसेस अगर आपस में कनेक्टेड हैं, तो लैंड हो गया जैसे एग्जांपल, जोग्राफिकल जै एरिया कवर्ड यहां पे दिया हुआ है एक सिंगल रूम में जो कनेक्शन है जैसे तुम्हारा रूम है उसमें कई सारे डिवाइस आपस में कनेक्टेड है सपोज रूम तुम्हारा दस मीटर से बड़ा है ठीक है उसकी साइज दस मीटर से बड़ी है तो फिर पर्सनल नहीं हुआ राइट और तुम रूम में तुम राउटर लगा हुआ है एक तुम्हारा फोन कनेक्टेड है तुम्हारे मम्मी का लैपटॉप कनेक्टेड है तुम्हारे पापा का सपोज आईपैड कनेक्टेड कनेक्टेड है तो फिर ये लाइन हो गया ठीक है अब जैसे किसी एक घर में मान लो दो फ्लोर का तुम्हारा घर है तो वहां पे तुमने एक राउटर लगा रखा है उस राउटर से बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं या फिर मान लो तुमने पूरे घर में वायर से लैंड वायर से सिस्टम कनेक्ट कर रखे हैं तुम्हारे घर में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो अलग अलग लोग यूज करते हैं और इन सारे कंप्यूटर को तुमने लाइन वायर ये हमारा वायर है दोनों ठीक है सो so तुमने क्या किया है वायर से कनेक्ट कर रखा है इन सारे कंप्यूटर को तो ये भी हमारा एक नेटवर्क हो गया राइट right? सो so, अब जैसे तुम्हारा स्कूल का जो नेटवर्क है तुम्हारे स्कूल में जो नेटवर्क होता है सो so स्कूल की बिल्डिंग के अंदर जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वो किस में आएगा लैन में आएगा अब जैसे यूनिवर्सिटी है अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है मल्टीपल्स बिल्डिंग होती है ना बट जो यूनिवर्सिटी का नेटवर्क होगा वो भी लैन आएगा तो सिंपल ये समझो कि लैन क्या होता है कि किसी भी एक घर में जो नेटवर्क होता है या किसी भी एक स्कूल में या हॉस्पिटल में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी एक कैंपस में जिसमें मे भी मल्टीपल बिल्डिंग्स हो वहां का जो नेटवर्क होता है उसको हम लैन बोलते हैं सो so वही यहां पर दिया हुआ है द जोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाई अ लैन कैन रेंज फ्रॉम अ सिंगल रूम ऑफ फ्लोर एंड ऑफिस हैविंग वन और मोर बिल्डिंग्स इन द सेम प्रेमिसेज टरी हो सकता है स्कूल हो सकता है कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस राइट और अगेन जो तुम्हारा लैन होता है वो तुम्हारा वायर से भी हो सकता है ठीक है तुम्हारा इथरनेट केबल से भी हो सकता है तुम्हारा फाइबर ऑप्टिक्स केबल जानते हो उससे भी हो सकता है और तुम्हारा वाईफाई से भी हो सकता है मतलब सिंपल कहने का ये मतलब है कि सपोज मान लो तुम्हारे घर में अगर लैपटॉप है आ, कई सारे कंप्यूटर हैं पांच कंप्यूटर हैं ठीक है ये तुम्हारे घर में पांच कंप्यूटर हैं तो इन तुमने पांचों कंप्यूटर को तुमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया ये मान लो तुम्हारा आ, इथरनेट केबल है और इसी से तुमने सारे सिस्टम को कनेक्ट कर रखा है ठीक है इसी से तुमने सारे सिस्टम को कनेक्ट कर रखा है तो अब ये सारे सिस्टम इस सेम केबल के थ्रू कनेक्टेड है ठीक है तो ये सब आपस में मान लो इसमें कुछ तुम्हारा प्रिंटर भी कनेक्टेड है ठीक है मान लो इसी केबल से तुम्हारा प्रिंटर भी कनेक्टेड है ये सिंगल प्रिंटर है तो ये तुम्हारा एक लैंड हो गया अब इस प्रिंटर से कोई भी कोई भी प्रिंट कोई भी डेटा प्रिंट करने के लिए सिस्टम ए भी इसका ई प्रिंटर का यूज कर सकता है सिस्टम बी भी कर सकता है सिस्टम सी भी कर सकता है सिस्टम डी भी कर सकता है क्योंकि ये सारे के सारे डिवाइसेस एक नेटवर्क में है राइट यहां पे तुम पिक्चर में देख सकते हो ठीक है सो so, अब जो हमारे इन डिवाइसेस हैं है केबल की जगह इनको हम चाहें तो वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं मतलब वाईफाई से कैसे करेंगे बीच में मान लो एक राउटर है और इस राउटर से सारे कनेक्ट हुए हैं ठीक है जैसे तुम घर में करते हो तो ये तुम्हारा हो गया फिर नेक्स्ट पॉइंट है द कनेक्टिविटी लैन इज कंपेटिवली सिक्योर एज ऑनली ऑथेंटिक यूजर इन द नेटवर्क एंड एक्सेस अदर कंप्यूटर्स और शेयर्ड रिसोर्सेज सो लैन जो होता है हमारा सिक्योर होता है क्यों क्योंकि सिर्फ ऑथेंटिक लोग ही उस नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे मैं एक सिंपल ना, तो तुम्हारे घर में जो लगा हुआ है, उसका कुछ और जितने लोग तुम्हारे, तुम्हारे, तो लो तुम्हारे राउटर से कनेक्टेड है पार्ट हैं लोकल एरिया नेटवर्क के ठीक है बट वो सिक्योर है सिक्योर क्यों है क्योंकि तुम्हारे राउटर का कुछ पासवर्ड होगा कोई भी कनेक्ट उससे नहीं कर सकता जिसको पासवर्ड होगा वही जिसके पास पासवर्ड होगा वही कनेक्ट कर सकता है तो लैन हमारा सिक्योर होता है ठीक है लैन में जो हमें स्पीड मिलती है वो टेन एमबीपीएस से लेकर हंड्रेड एमबीपीएस की डेटा ट्रांसफर की स्पीड मिलती है ठीक तो ये तो हो गया हमारा लोकल एरिया नेटवर्क फिर आता है हमारा एम ए एन मतलब uh, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है जस्ट वन मिनट हाँ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है सो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसको मैन भी बोलते हैं इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लैंड लार्ज्राफिकल एरिया लाइक अ सिटी और अ टाउन सो बेसिकली सिंपल समझो ना एक शहर में जो पूरा नेटवर्क अब देखो जो एक शहर में नेटवर्क है जो पूरा शहर का नेटवर्क है उसको क्या बोलोगे तो हो गया हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ठीक और इसको क्यों बोला है कि ये एक्सटेंशन ऑफ लैन होता है क्योंकि ये देखो मान लो तुम्हारे शहर में एक घर ए है ठीक है एक घर ए है ए होम वन इसको नाम ले लेते हैं हम होम वन और एक घर ए है इसको नाम ले लेते हैं हम होम टू होम टू और एक मान लो एक ऑफिस है इसका हम नाम ले लेते हैं ऑफिस वन तो इन सब का अपना नेटवर्क है होम वन का जो नेटवर्क है ये लोकल इसका लोकल एरिया नेटवर्क हो गया लाइन वन यहाँ लिखा हुआ है जो होम टू का अपना नेटवर्क है इसका लोकल एरिया हो गया लाइन थ्री लिखा हुआ है और जो ऑफिस का नेटवर्क है ये इसका अपना लोकल एरिया नेटवर्क हो गया टू इसको हैं बट ये सारे नेटवर्क से कनेक्टेड है भाई तुम्हारे घर में जो इंटरनेट आ रहा है वो भी तो किसी एक शहर में तुम्हारे कोई टावर होगा कहीं पे एक सोर्स होगा वहां से नेटवर्क आ रहा होगा ना तो मान लो तुम्हारे शहर का सोर्स है नेटवर्किंग डिवाइस है ये तुम्हारे शहर के बीच में एक टावर लगा हुआ है जियो का इसी से होम वन भी कनेक्टेड है इसी से होम टू भी कनेक्टेड है इसी से ऑफिस भी कनेक्टेड है मान लो कोई स्कूल है है उसका भी एक तो भी एक लोकल एरिया नेटवर्क होगा तो ये इसी से कनेक्टेड मान लो कोई कॉलेज है तो इसका जो अपना लोकल एरिया नेटवर्क होगा वो भी इसी टावर से कनेक्टेड है ठीक है तो इसीलिए यहां डेफिनेशन में बोला है कि लैंड मैन इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लैंड मतलब बहुत सारे लैंड मिलके क्या बनाते हैं मैन बनाते हैं मतलब तुम्हारे शहर में जितने लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं मतलब जितने घर के लोकल एरिया नेटवर्क हैं ऑफिस के लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं वही सब तो आपस में मिलके पूरे शहर का नेटवर्क बनाए ना तो हम जो शहर का नेटवर्क है उसको क्या बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इस पॉइंट को याद रखना दूसरा डेटा ट्रांसफर स्पीड कंसिडरेबली लेस एज कंपेयर टू लैंड ऑब्वियस बात है अभी सिर्फ तुम्हारे घर की बात थी एक ऑफिस की बात थी बट अब एक डिवाइस से पूरे शहर में डेटा जा रहा है ठीक है तो स्पीड स्लो होगा तो यहां पे डेट स्पीड थोड़ा स्लो होता है फिर अब एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा तो जैसे केबल टीवी नेटवर्क हो गया लगभग हर घर में केबल टीवी लगा हुआ है हर घर में हर ऑफिस में केबल टीवी लगा हुआ है राइट तो एक इसका एग्जाम्पल हो गया मैन का एग्जाम्पल हो गया अब जैसे जियो जियो का टावर मान लो तुम्हारे शहर में लगा है और उस जियो के टावर से पता नहीं कितने स्कूल के बिल्डिंग्स ने कनेक्शन ले रखा है कितने हॉस्पिटल्स ने कनेक्शन ले रखा है तो भी किसका एग्जाम्पल हो गया तुम्हारे मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल हो गया ठीक है तो वही यहां दिया है केबल टीवी नेटवर्क और केबल बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट तो जैसे जियो है तो क्या है केबल बेस्ड उसका है कि नहीं ऑप्टिकल फाइबर जियो का आ गया है ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए मैन के एग्जाम्पल हो गए ठीक है फिर दिस काइंड ऑफ नेटवर्क कैन बी एक्सटेंडेड थर्टी टू फोर्टो किलोमीटर जो मैन होता है हमारा वो तीस से चालीस किलोमीटर के रेंज में होता है अब एक चीज और जानो अब मान लो ये तुम्हारा शहर है कानपुर ये कानपुर शहर का तुम्हारा नेटवर्क है ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं मैन ये पूरा हमारा मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बट उसी तरह एक और नेटवर्क है गोरखपुर का ये भी मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये किस शहर का है गोरखपुर का उसी तरह एक और से शहर का एरिया है दिल्ली का मान लेते हैं अब ये सब भी तो आपस में कनेक्टेड होंगे ना कोई और डिवाइस कहीं पे लगा होगा जो जिससे जिस डिवाइस से डेली वाला भी कनेक्टेड होगा तुम्हारा एक कानपुर वाला जो है ये भी कनेक्टेड होगा और जो तुम्हारा एक गोरखपुर वाला है ये भी कनेक्टेड होगा यानी सारे शहर के नेटवर्क भी आपस में कनेक्टेड मिलकर एक और बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं डब्ल्यू ए एन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क ध्यान रखना वाइड ये हमारा आ गया वाइड एरिया नेटवर्क तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है देखो पहला पॉइंट वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड अदर लैंड एंड मैन विच आर स्प्रेड अक्रॉस जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ अ कंट्री राइट और इन डिफरेंट कंट्रीज फाइन सो दूसरा पॉइंट वैन कुड बी फॉर्म बाई कनेक्टिंग लैंड टू अदर लैंड वाया वायर्ड वायरलेस मीडिया तो हमारा वैन कैसे फॉर्म होता है बहुत सारे लैन आपस में कनेक्टेड हैं अगर मैं अब मैन की बात करता हूं जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क था तो वो क्या था कॉम्बिनेशन ऑफ लैन ही तो था ना तो उसी तरह जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है उसको भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ लैन बोल सकते हैं अगर तुम कॉम्बिनेशन ऑफ मैन बोलते हो बात तो तब भी वही हुआ ठीक है तो वही दिया है वैन कुड बी कनेक्टेड टू अदर लैंड वाया वायर्ड वायरलेस मीडिया अब अगर इसका एग्जाम्पल लें तो जैसे लार्ज बिजनेसेस जो बड़े बड़े, बड़े बिजनेसेस हैं जैसे टाटा का बात ले लो तो टाटा का ऑफिस कानपुर में भी है टाटा का ऑफिस मुंबई में भी है टाटा का ऑफिस दिल्ली में भी है टाटा का ऑफिस शायद न्यूयॉर्क में भी होगा टाटा का ऑफिस शायद बीजिंग में भी होगा आई थिंक बीजिंग में नहीं होगा बट मान लेते हैं ठीक है तो ये सारे टाटा के ऑफिस आपस में कनेक्टेड होंगे ना ये सब आपस में डेटा शेयर करते होंगे कि नहीं राइट ये सब आपस में यहाँ कम्युनिकेशन होता होगा तो ये जो इनका नेटवर्क हुआ जो पूरे इंटरनेशनली पूरे कंट्री के बाहर तक फैला हुआ है ये कौन सा नेटवर्क कहलाएगा फैलाएगा हमारा वाइड एरिया नेटवर्क जिसको हम वैन बोलते हैं सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि चार तरह का जो हमारा नेटवर्क होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आज के लिए बस इतना ही आज हमने देखा कि हमारा नेटवर्क कितने इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क और दूसरा टाइप्स ऑफ नेटवर्क अब अगले वीडियो में हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग में सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वीडियो को लाइक like करो और चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू